हे गाइस, वेलकम टू मी ट्रैवल्स। और गाइस, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हीरो एक्सपल्स 204V की, जो अभी हाल ही में लॉन्च होने वाली है। इसके बारे में अभी मैं और बात करूँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, थैंक्स लॉट जितना भी आप लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया इस चैनल पर, आई रियली अप्रिशिएटेड। एंड अगर आप चैनल पर नए हो, आप सब्सक्राइब कर सकते हो। फ्यूचर में एक और ट्रैवल वीडियो आने वाली है, एक पूरी हमने ट्रैवल सीरीज बनाई है, आप वो चेक कर सकते हो। और आप सबकी फेवरेट थर्सी थर्सडे वीडियोस आती रहेंगी। अभी भी मैं पूरा ट्राई करूँ कोई और नई ड्रिंक बनाऊँ और एक अच्छा सा आपको बताऊँ कैसे बनाया और रिव्यू करूँ उसका। तो गैस, पहले ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गैस, इसमें इस वीडियो में मैं कवर करूँगा कि एक्सपल्स 200 जो नई आने वाली है 4 वैल्स, उसमें क्या क्या चेंज होंगे, प्राइस का बताऊँगा, लॉन्च का आपको बताऊँगा कब हो सकता है, और क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं कॉस्मेटिक पावर ट्रेन में एक्सेट्रा। तो गैस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो गैस चेंज है, जो सबको ऑलमोस्ट पता ही है, वो होएगा कि गैस जो एक्सपल्स है वो अब 4 वैल्स आने वाली है। तो उसका मतलब हुआ क्या, तो उसमें क्या होता है, 4 वैल्स में जैसी जो एयर और जो फ्यूल का मिक्सचर होता है, जब वो कंबशन चैम्बर के अंदर जाएगा तो वो ज़्यादा पावर आपकी बाइक को देगा और एक फ्यूल एफिशिएंसी भी आपकी बाइक की काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। तो 4 वैल्स से ये फ़ायदा होता है। पहले अभी 2 वैल्स में आती थी, अब 2 वैल्स हीरो ने और ऐड कर दिए, तो जिसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होएगा जो भी नए कंज्यूमर या कस्टमर्स होंगे इस बाइक के। तो एक तो हो गया वैल्स के बारे में बात। अब प्राइस से रिलेटेड मैं बात कर लेता हूँ। प्राइस जहाँ तक मेरे को लगता है गाइस, अप्रॉक्सीमेटली 8000 का इंक्रीज तो आएगा ही आएगा। पहले तो मेरे को थोड़ा लग रहा था कि बाइक लेट हो जाएगी आने में, बट हीरो ने जो गाइस ये नई वीडियो डाली अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पे, उससे लग रहा है बाइक काफ़ी ज़्यादा जल्दी मार्केट्स में आने वाली है। कुछ भी नहीं पता चल सकती। इसमें 2 कलर्स ऑप्शंस अभी ऑनलाइन नेट पे देखने को मिले हैं मेरे को। एक होगा गाइस ब्लू और वाइट, और एक है ब्लू और ब्लैक। पर्सनली मेरे को ब्लू और वाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी अपील दे रहा है बाइक को। ये 2 फोटोज़ भी आई हैं। इन फोटोज़ में गाइस आप देख सकते हो कि थोड़े बहुत जो चेंजेस आए हैं बाइक के अंदर, उसमें क्या होएगा, जो इंजन है और जो रियर एग्जॉस्ट है, रियर एंड एग्जॉस्ट का, उसमें सिल्वर कलर काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक विजुअली चेंज किया है हीरो ने, और मेरे को पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। ब्लैक भी काफ़ी अच्छा लगता है, बट सिल्वर भी काफ़ी ज़्यादा मैच कर रहा है पर्सनली। जो वो जो न्यू कलर स्कीम आई है उसके साथ सिल्वर ही मेरे ख्याल से मैच करेगा। और जो रिम है, रिम पे भी आपको थोड़े से ब्लू कलर के स्प्लैश से देख सकते हैं, अगर आप क्लोजली देखो। मेरे को अभी पता नहीं कि फ़ोटो में आपको दिखेगा या नहीं, बट थोड़े थोड़े ब्लू स्प्लैश हैं रिम्स पे। तो एक काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी सी लुक आई है। तो अब बात करते हैं लॉन्च की गाइस। लॉन्च का अभी जैसे सुनने में आ रहा है कि इसका लॉन्च 6 अक्टूबर को हो सकता है। अगर 6 अक्टूबर को हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, जितना ज़्यादा जल्दी है उतना ज़्यादा अच्छा है। अगर 6 अक्टूबर को नहीं होता तो मेरे ख्याल से लगता है दिवाली से पहले तो हीरो कर देगा। ओवरऑल बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है गाइस। इसमें कई इश्यूज थे पहले, जैसे फॉर एग्जांपल हीटिंग इशू था, फिर ऑयल कूल वाला जो वेरिएंट आया उसमें अगर आप फुल्ली सिंथेटिक ऑयल यूज़ करोगे तो बिल्कुल आपके हीटिंग इशूज़ ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप एक्सपल्स ऑलरेडी राइड करते हो, एक्सपल्स के राइडर करंटली हो, उससे रिलेटेड मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं कि आप उसके लिए मॉड कौन से यूज़ करते हो। फ्यूचर में एक और मैं मॉड की वीडियो बनाने वाला हूँ, पार्ट 2 आने वाला है। तो पहले तो आप पार्ट 1 चेक कर सकते हो, और एक्सपल्स की हेडलाइट ग्रिल और भी जितनी सारी चीज़ें हैं सब पे मैंने वीडियो बनाई है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, कोई वीडियो मिस ना हो आपकी। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप मेरे से नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जितना जल्दी हो सके मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करूंगा। ये कहना था गाइस, टिल देन गाइस, राइड सेफ, टेक केयर एंड बाय।